स्टेट टाइम्स के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पीएम मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के 13 क्रिटिकल केयर प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर की श्रद्धांजलि अर्पित। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पीएम मोदी ने जातिवाद भ्रष्टाचार की राजनीति को किया खत्म। जिला कुलगाम में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। जिले रामबन में सरकारी अधिकारी यावर अमीन को पुलिस ने रेप केस में किया गिरफ्तार। विकार रसूल बोले, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। रजौरी जिला में नियंत्रण रेखा के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थिति में देखा गया। व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ जारी। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बोले, कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। जिला किश्तवाड़ में सड़क किनारे एक जंग लगा ग्रेनेड मिला, जिसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने ग्रेनेड को सुरक्षित हटा दिया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए खुला है, लेकिन मूवमेंट स्लो है। लोगों से अपील है कि ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क करने के बाद ही करें यात्रा। स्टेट टाइम्स के बुलेटिन में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।